ओम कं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्यार का पर्व होता है। यह पर्व सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर डोरी बांधती हैं, जिसे आम भाषा में राखी कहा जाता है। यह रक्षा सूत्र होता है, जिसे बहन भाई की कलाई पर बांधकर भाई की सलामती और सफलता की दुआ मांगती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन लेते हैं। इस पर्व का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। बहन इस त्यौहार के दिन भाई की कलाई पर रेशम की डोरी बांधती हैं, जिसमें संपूर्ण संसार का स्नेह और प्रेम समाहित होता है। इस प्रेम के धागे की पवित्रता में पूरा संसार बन जाता है। जैसे त्रिलोकी को जीत लेने वाले राजा बलि देवी लक्ष्मी की राखी के धागे से इसने डोर से बंध गए, इसी राखी से देवी लक्ष्मी ने जगत के स्वामी भगवान विष्णु को राजा बलि के यहाँ से मुक्त करा लिया था। इसी परंपरा को हर बहन आज भी निभाती है और सावन पूर्णिमा के दिन भाई के कलाई पर राखी बांधती है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पर्व का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन के लिए राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। अगर आप राहु काल या भद्रा काल के दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो इससे आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही भाई के जीवन में भी कई समस्याएं आ सकती हैं। शुभ मुहूर्त के साथ ही राखी सही विधि से भी बांधना अति आवश्यक है। अगर राखी गलत विधि से बांधी जाए तो इससे नुकसान होता है। वहीं शास्त्रों में बताई गई अगर सही विधि से आप भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे तो इससे आपका और आपके भाई का जीवन खुशियों से भर जाएगा। साथ ही परिवार में भी सुख समृद्धि आएगी और भगवान स्वयं आपके और आपके भाई के रक्षा करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि राखी बांधने का इस वर्ष शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सा ऐसा समय है जिस समय भूलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए और राखी बांधने की सही विधि क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, सावन मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन पर्व को लेकर बहुत अधिक कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार सावन पूर्णिमा 30 अगस्त की सुबह 10:58 पर शुरू होगी और 31 अगस्त की सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार सावन पूर्णिमा उदय तिथि के हिसाब से 31 अगस्त को होगी और पूरा चांद जिस दिन निकलेगा वह है 30 अगस्त। इसलिए सावन पूर्णिमा 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों ही दिन मनाई जाएगी। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व भी दोनों दिन रहेगा, लेकिन रक्षाबंधन पर राखी भद्रा काल में नहीं बांधी जाती और इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। इस बार 30 अगस्त को सुबह से लेकर रात 9:01 तक भद्रा काल रहेगा। ऐसे में इस समय राखी बांधना शुभ नहीं होगा, इसलिए रात 9:01 के बाद राखी बांधी जा सकती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रात्रि के समय यानी कि प्रदोष काल के बाद राखी बांधना शुभ नहीं होता। ऐसे में जिन जगहों पर यह मान्यता है वहां राखी 31 अगस्त को सुबह बांधी जाएगी। 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए सुबह 7:05 से पहले राखी बांधना शुभ रहेगा। लेकिन अगर आप इस समय राखी ना बांध सकें तो 31 अगस्त को आप दोपहर के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि 31 अगस्त को भद्रा का साया नहीं रहेगा और 31 अगस्त को उदय तिथि के हिसाब से पूर्णिमा तिथि भी रहेगी और दोपहर के समय राखी बांधना भी शुभ होता है। लेकिन ध्यान रखें, भद्रा काल में भाई की कलाई पर राखी भूलकर भी ना बांधें। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों के ही रिश्ते में खटास आती है और अशुभ होता है। आप अपनी सुविधानुसार इन शुभ मुहूर्तों में से ही किसी एक में राखी बांधें। आइए दोस्तों, आप जानते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने की शास्त्रीय विधि और मंत्र क्या है। रक्षाबंधन पर सबसे पहले स्नान करके पवित्र हो जाएं
और देवताओं को प्रणाम करना चाहें। कुलदेवी और देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। फिर चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत यानी कि साबुत चावल, रोली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें और इसे जल या गंगा जल से गीला कर लें। अब राखी की थाल को पूजा स्थल में रखें और सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को राखी बांधें और फिर राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को बांधें यानी कि अर्पित करें और फिर भगवान से अपने परिवार की रक्षा सलामती की प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप अपने भाई की राखी बांधें। भाई को बैठाकर राखी बांधनी चाहिए, खड़े होकर राखी ना बांधें। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ भाई का फेस होना चाहिए और आपका मुख वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल रखना चाहिए या कोई साफ कपड़ा आप अपने सिर पर रख सकते हैं। खुले सिर से बिना कुछ सिर पर रखे आप राखी ना बंधवाएं। राखी बंधवाते समय भाई को अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लेना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली से टीका करें, टीके के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छिड़कें। अक्षत यानी कि साबुत चावल। भाई को सदैव अंगूठे से तिलक करें। अंगूठे से तिलक करते समय तिलक ऊपर की तरफ करना चाहिए, यह विजय और सफलता की निशानी होती है। तिलक करते समय कभी भी तिलक उल्टा यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ना करें। भाई की नज़र उतारने के लिए राखी की प्लेट में ही दीपक रखकर उसे जलाकर भाई की आरती उतारें। इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधें। सदैव भाई की दाई कलाई यानी कि राइट हैंड पर राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय इस मंत्र का जाप करें, इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। मंत्र इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दावनेन्द्रो महाबल तीन त्वामं प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचला। अगर मंत्र का उच्चारण ना कर सकें तो आप इस मंत्र के अर्थ को भी पढ़ सकते हैं। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, जिस रक्षा सूत्र से महाशक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया सा उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। राखी बांधने के बाद भाई बहन को एक दूसरे को मिठाई अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के प्रेम में बढ़ोतरी होती है। राखी बांधने के बाद भाई को अपनी बहन के चरण स्पर्श करने चाहिए और बहन को भाई को आशीर्वाद देना चाहिए। भाई को शगुन के रूप में बहन को वस्त्र, आभूषण या रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा है, आप वह वस्तु अपनी बहन को दें और बहन के सुखी जीवन की कामना करें। भाई को राखी बांधने से पहले पूजा के इस थाल को मंदिर में अवश्य रखें और भाई की सलामती की दुआ मांगें। इस शास्त्रीय विधि से रक्षाबंधन के पर्व पर जब बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं तो इससे भाई बहन दोनों को ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सुखी और दीर्घायु जीवन का वरदान देते हैं। इस तरह भाई की कलाई पर राखी बांधने से घर में सुख समृद्धि आती है। रक्षाबंधन के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि यह पूर्णिमा का दिन होता है। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस दिन क्रोध, अहंकार और वाद विवाद से दूर रहें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।